व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू एंड्रॉयड बार। सो आज के स्टूडियो में यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग किस्म का जो है ओप्पो का फीचर बताने वाला हूँ, या फिर जो आप अपने किसी भी फ़ोन में जो ये फीचर को ट्राई कर सकते हैं। सो आज की स्टूडियो को जोर से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद यहाँ पर घंटी दबा लें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी आता रहे। सो फ्रेंड आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह हम अपने फ़ोन में जो है पैनोरामा जो है कैमरा का फीचर जो है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो एंड पर यहाँ पर जो आपको लास्ट सेटिंग में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फोटोज़ वीडियोज़ और लास्ट पर आपको एक पैनोरामा वाला फीचर मिल रहा है। सो मेरे ख्याल से आपने जो इसको कभी यूज़ भी नहीं किया होगा। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको इस सेटिंग बताऊँगा। सो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसकी जो एक पिक्चर खींच लेता हूँ इसकी जो फ़ोटोज़ की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किस तरह का इसका डिस्प्ले है फोटोज़ का जो हमारे जो फोटोज़ में जो है चीज आती है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इसका जो है कंपैरिजन करके बताऊंगा इसका जो पैनोरामा फीचर है उसमें, तो इसमें जो फोटोज़ वगैरह कैसे आती हैं और जो फोटोज़ जो आप जो है नॉर्मल कैप्चर करते हैं वो किस तरह की आती हैं। सो पैनोरामा फीचर में आप जो है इसको किस तरह जो अपने फ़ोन में जो है यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए जस्ट आपको अपने फ़ोन को जो है रोटेट करना होता है इस तरह का। सो इस तरह जब आप रोटेट करते हैं तो आपके फ़ोन में जो ये पिक्चर जो बहुत ही वाइड किस्म की आती है। सो यहाँ पर मैं आपको जो दिखा देता हूँ कैसे आपने जो इसकी पिक्चर जो कैप्चर करनी है। जस्ट आपको यहाँ पर 5 से 6 सेकंड मिलेंगे जिसमें जो है आपने अपनी पिक्चर को जो है कैप्चर करना होता है, उसको उसके साथ जो है अपने फ़ोन को रोटेट करना होता है। सो यहाँ पर मैं इसको जो प्रेस करके इस तरह प्रेस कर लेना है आपने इस तरह, और उसके बाद यहाँ पर ये आपकी वाइड जो है पिक्चर जींस ने जो है कैप्चर कर लेनी है। सो उसके बाद यहाँ पर आपने जो ओके कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी जो पिक्चर वगैरह जो हमने कैप्चर किया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का डिस्प्ले दे रही है। ये देख सकते हैं इसकी बहुत ही वाइड किस्म की जो है पिक्चर आई है जो मैंने पैनोरामा से खींची है। तो जो मैं आपको जो है सैंपल दिखा देता हूँ जो मैंने फ़ोटोज़ के खींची थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दोबारा मैंने पैनोरामा से खींची थी वो आप यहाँ पर जो इसका कंपेरिजन कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है अगर आप पैनोरामा फीचर जो है अपनी पिक्चर को कैप्चर कर सके हैं और यहाँ पर जो अगर आप जो अपनी सिंपल जो है फ़ोटोज़ को फ़ोटोज़ के जरिए जो अपनी पिक्चर को कैप्चर करते हैं। अगर आप जो अपनी पिक्चर को वाइड कैप्चर करना चाहते हैं तो पैनोरामा फीचर को ज़रूर से यूज़ कीजिए अपने फोन में। ये तमाम के तमाम ओप्पो फोन में भी होता है और कई दूसरे फोन में भी जो ये डाला जाता है। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए जरूर से वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह के टच में हेल्प वीडियो में अगली दफा, तब तक के लिए अपने यहाँ रखिएगा। बाय बाय।